नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, लेकिन सबसे पहले एबीपी न्यूज के करोड़ों दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब से थोड़ी देर में आप उमंगों के दिए जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे। आज का महादंगल भी महाराष्ट्र में कुछ नेताओं की चुनावी उमंगों को लेकर है। परसों तक आप देख रहे थे महाराष्ट्र में कैसे नामांकन के आखिरी दिन तक टिकटों की रेस चली थी। एक रेस खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई, और ये रेस है मुंबई की। मुंबई में कल एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बहुत कुछ हुआ। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिया कि वही मुख्यमंत्री होंगे। ये भी कहा कि शिवसेना और एनसीपी ने उछल कूद करके जनमत का अपमान किया है, लिहाजा वोटर 2 से 4 हो चुकी इन पार्टियों से बदला लेंगे। शिखर सम्मेलन में देवेंद्र फडणवीस भी थे। सीएम पर अपनी दावेदारी से उन्होंने इनकार नहीं किया, न ये बोले कि एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे। अजीत पवार ने भी कहा कि सीएम का फैसला तो चुनाव के बाद मिलजुल कर बैठक में ही किया जाएगा। ना ऐसा कहा कि शिंदे ही होंगे, ना खुद को रेस से बाहर करार दिया। सीएम की रेस में दूसरा पक्ष भी है। आदित्य ठाकरे ने फिर अपने पिता की ब्रांडिंग की, कहा उद्धव ठाकरे जैसा विश्वसनीय नेता कोई दूसरा नहीं है। हालांकि उद्धव चाहते थे कि कांग्रेस और शरद पवार इस बार भी उन्हें प्रोजेक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं जयंत पाटिल ने कहा है भला सुप्रिया सुले सीएम क्यों नहीं हो सकती। आप इशारे समझिए, जब उद्धव ने बीजेपी को टंगड़ी अड़ाई थी तब उन्हें सीएम बनाने के सिवा कांग्रेस और शरद पवार के पास कोई चारा नहीं था, और जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी तब बीजेपी के पास उन्हें ही सीएम बनाकर सत्ता में आने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ऐसा ही तब हुआ जब अजित पवार ने एनसीपी तोड़ी, तो उन्हें भी बैकअप के तौर पर डिप्टी सीएम बनाना पड़ गया था। लेकिन इस चुनाव में पिक्चर थोड़ी उलट है। इधर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है, उधर कांग्रेस। तो दोनों पार्टियां पहले से कैसे कह दें कि उनका सीएम नहीं बनेगा, बहस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले सारे बयान आपको सुना देते हैं। सीएम पद का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव जीतेंगे, तीनों मिलकर तय करेंगे, वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नाथ राव शिंदे चीफ मिनिस्टर है, रिजल्ट्स लगने के बाद हम बैठेंगे, सब सोचेंगे और उसके बारे में भी डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। देवेंद्र जी बन जाएंगे? देवेंद्र जी बन सकते हैं सीएम? बन सकते हैं सीएम अगले? बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकते हैं। उद्धव ठाकरे शुड हैव बीन द नेचुरल चॉइस। उसमें तो किसने ना कहा है अभी? थोड़ी हु सेड नो? अगर कोई विश्वासु चेहरा है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे। महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रिया सुले भी बन सकती है, कोई तकलीफ नहीं हमारे लिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? सीएम की रेस कितने फेस, इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के। कृष्णा हेगड़े जी, प्रवक्ता शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। महेश शमहाड़ जी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। और योगेश खैरे, प्रवक्ता हैं आप एमएनएस के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो राज ठाकरे भी बता रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो उनका ये बयान आप लोगों को उत्साह से भर देने वाला है क्या? और शिंदे जी के लिए चेतावनी। चेतना जी, सबसे पहले आपको, सारे पैनलिस्ट को और पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब पे कृपा बरसे, बस हमारी यही इच्छा है। तो जहां तक रही मुख्यमंत्री की बात, तो सरकार बनने बनी चुकी है। सरकार बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, मुख्यमंत्री भी आ जाएगा। लेकिन इस दिवाली में एक चीज आप मिस कर रही है चित्रा जी। अभी देखिए, जब हमारे महायुति के लोग बैठते हैं तो दिए जलते हैं, आइए अघाड़ी के लोग जब बैठते हैं, अघाड़ी पिछाड़ी होके, तो बम पटाखे की आवाज आपको नहीं आ रही है? कभी शरद पवार को कुछ बोलती है, कभी शरद पवार वाली पार्टी शिवसेना को कुछ बोलती है, कभी कोई कुछ बोलता है, तो लगातार बम पटाखों की आवाज उनके यहाँ से आ रही है। तो ये लोग ऑलरेडी अब चुनाव छोड़ चुके हैं, चुनाव मैदान से एक तरह से बाहर निकल चुके हैं। इनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आप लोगों को वहां बहुत कुछ हो रहा है ना अजय आलोक जी, आप बताइए किसके लिए पटाखे फूट रहे हैं, किसके दिल में दीप जल रहे हैं, आप बताएं ना अपरा, आपके वहां क्या हो रहा है महायुति में? शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी की यह बड़ी तैयारी है कि अगर महायुति प्रचंड जीत दर्ज करता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री, क्या यह है तैयारी आप लोगों की?
देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और भारतीय जनता पार्टी के साथ अखंडता पे आप कभी प्रश्न नहीं उठा सकती है। देखिए बिहार में हम सबसे बड़े दल है विधानसभा में, लेकिन नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में भी जब सरकार गिरी तब भी हम सबसे बड़े दल थे, लेकिन तब भी देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रहने के बावजूद भी डिप्टी सीएम बने। तो हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। इसलिए मुख्यमंत्री के इश्यू हमारे यहाँ है ही नहीं, एक दिन एक पल के लिए भी नहीं। और इसीलिए हमारे सुख, हमारे यहाँ सुख समृद्धि और शांति के दिए जल रहे हैं और वो पूरे महाराष्ट्र में हम जलाने की तैयारी कर चुके हैं और 23 नवंबर को दोबारा से दिवाली मनेगी पूरे महाराष्ट्र। किशोर तिवारी जी, फिर उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? पिछली बार बीजेपी से कम सीटें आने के बावजूद मुख्यमंत्री की जो बेचैनी थी बनने की, उसको लेकर उन्होंने अपनी राह अलग कर ली थी, लेकिन इस बार तो आप बताइए कांग्रेस से आपको सीटें भी कम मिली और उद्धव ठाकरे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट तो तमाम बातें कह रहे हैं लेकिन आपकी सहयोगी पार्टियां मानने को नहीं है तैयार, क्या करेंगे फिर? अभी मैं आपको बताता हूँ, एक तो पहले मैं सारे दर्शकों को, सारे को, पैनलिस्ट को और चित्रा जी तुमको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान आपको ऐसी ही कृपा बरसते रहे, आपका ये जो नया करियर है इसमें और कृपा बरसते रहे, और चित्रा जी थोड़ी बहुत कृपा हमारे पे भी बरसाना, नहीं तो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारी पार्टी वो महाराष्ट्र में तो बहुत हो गया, वो बीजेपी माझा बोलने लगे उनको, क्योंकि वो अजीत पवार अपने संजय राउत और अमित शाह की भेंट करा दी थी, बाद में देवेंद्र फडणवीस की भेंट करा दी थी। भावना जैसी एबीपी न्यूज देखे तीन तैसी, अब आपने चश्मा ही वो लगा लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन आ जाते हैं मुद्दे पर, अभी तो आपको उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है ना, तो उसी मुद्दे पर रहते हैं आप, छोड़ दीजिए चैनल की बात। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सीटों के मामले में आप लोगों से बाजी मार ली है। देखो कांग्रेस की एक दो सीटें, उसमें भी समाजवादी पार्टी को उनको अकोमोडेट करना है, हमने 98 सीटें, हमें पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूपी करना है अकोमोडेट, और शरद पवार जी को सीपीएम सीपीआई को करना है, तो सारे सी समान हम लड़ रहे हैं और जनता जिसको चुनेंगी वो होगा। लेकिन जनता के मन में एक भावना है कि उद्धव ठाकरे जी यह महाराष्ट्र के सीएम बने। राज ठाकरे जी से जब सवाल पूछा गया कल हमारे एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में, कल मैं मुंबई में ही थी, तो उस समय उनकी ओर से जवाब दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार। नहीं देखो, राज ठाकरे 19 में मोदी जी के बहुत खिलाफ थे और उसके बाद वो 24 में बीजेपी के साथ हो लिए। हाँ। अभी वो बीजेपी के ही, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, 136 सीट पे खुद चुनाव लड़ रहे और वो खुद कहते कि मेरी पार्टी बम्पर मेजॉरिटी में आ रही है, जब 136 में से 130 सीटें उनकी आ रही है तो एमएनएस का मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा एमएनएस के नेता ने बोलना चाहिए। इसका मतलब उनका एक भी उम्मीदवार चुन के नहीं आ रहा है, वो बीजेपी की पी टीम बनकर वोट कटवा काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2029 में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। ठीक है, आपकी बात हो गई, एक एक प्रतिक्रिया बाकी लोगों से भी ले लेते हैं। महेश चौहान जी आपके पास आते हुए, शरद पवार गुट से आप हैं, एक 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 ब्रिजमोहन जी के पास उसके पहले चल जाते हैं। ब्रिजमोहन जी, अब अजित पवार के भी मन में लड्डू फूट रहे हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा वो कमाल का प्रदर्शन किया नहीं था, लेकिन इस बार अजित पवार से भी जब हमारी एबीपी न्यूज की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी दबी जुबान में ही इच्छा जाहिर कर दी है, तो आप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी? नहीं देखिए, कल आपके एबीपी न्यूज पर अजित पवार साहब को मैंने भी सुना जी, उसपे उन्होंने ये कहा कि आज अभी इस बात का कोई फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन यह बात भी सच है कि चुनाव के बाद हम लोग सब बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे। देखिए एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायकों का होता है और विधायकों की संख्या के ऊपर निर्धारित होता है कि कौन आदमी विधायक बनेगा। हमारे एनडीए में इस प्रकार का कोई भी ना तो अभी तक चर्चा है ना किसी प्रकार का इस मामले को लेकर विवाद है। हमारा आज सबसे पहला मकसद ये है कि 288 सीटों पर जहां हमारे महायुति के उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत कर आएँ, उसके बाद बैठकर तय हो जाएगा, क्योंकि
आप एक बात इस बात को महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि इस समय महायुति के जो तीनों नेता हैं ये बहुत ही परिपक्व नेता हैं और सभी अनुभवी हैं, चाहे वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हों, एकनाथ शिंदे जी हों, चाहे अजीत दादा पवार हों, इन तीनों को सरकार चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये जनता की नब्ज को भी जानते हैं। तीनों लोग बैठेंगे, बैठकर तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी आज उनके ही नेतृत्व में इस चुनाव को महाराष्ट्र में लड़ रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को महाराष्ट्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और फिर से महायुति की सरकार एक बार महाराष्ट्र में बनेगी। बाकी नेताओं को अगर छोड़ दें, चूंकि वो अलग पार्टी के हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के नेता की वो तारीफ करते हुए बता रहे हैं कि इस बार उनका चांस है, तो अगर राज ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल, आदरणीय राज ठाकरे साहब ने ठीक बोला है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, तो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं वो और महाराष्ट्र के लिए एक बेहतर मुख्यमंत्री वो भी हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि जब सारे लोग बैठेंगे उसके बाद तय होगा। मैं तो कहता हूँ तीनों लोग, आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी, ये तीनों मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बेहतर प्रत्याशी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये विधायक दल तय करेगा और एक चूंकि हमारी एनडीए में एक प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णय होता है कि कौन आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। आपको मालूम है इसके पहले जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज़्यादा थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना मुख्यमंत्री बनाया और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, ये भी फैसले होते हैं एनडीए में, बहुत ही परिपक्वता के साथ फैसला होगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब सभी कोई महायुति कह रहे हैं परिपक्वता के साथ फैसले लेंगे, उधर महाअघाड़ी के भी इसी तरह के दावे हैं। महेश चव्हाण जी, अब शरद पवार जी की पार्टी के भीतर से भी आवाज उठने लगी है, आप लोगों ने सुप्रिया सुले का नाम आगे कर दिया है, चांसेस बनेंगे क्या आप लोगों के? क्योंकि आपके ऊपर एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे, उद्धव के बेटे कल हमारे साथ कॉन्क्लेव में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जितना योग्य नेता और महाराष्ट्र की जनता पर खरा उतरने वाले नेता दूसरी पार्टी में है नहीं, किसके ज्यादा चांसेस हैं? चव्हाण साहब, चित्रा जी, सबसे पहले आपको, सारे को पैनलिस्ट को और आपके माध्यम से देश के सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जब गठबंधन होता है दोनों तरफ, सिर्फ महाविकास आघाड़ी नहीं महायुति में जब गठबंधन होता है तो उसमें 3-4-5 से ज्यादा पार्टियां होती है और उसमें हर पार्टी के नेता को, हर पार्टी के कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारे पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये सब जनता के हाथ में है ऐसे हमें लगता है, क्योंकि जनता जिसके विधायक ज्यादा चुन के देगी, जनता के दिल में वो पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा होगा ऐसा हम मानते हैं। तो इसके लिए हम रिजल्ट तक रुकना चाहते हैं। इसके पहले देखिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी होने के खिलाफ हमारे महाविकास आघाड़ी में कोई भी नहीं है। सिर्फ ये था कि उन्हें चुनाव से पहले वो चेहरा चाहिए था, तो हाँ बस इस पर चर्चा हो रही थी और अभी चर्चा के अंतिम स्वरूप आ गया है और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा जनता के मन में क्या है वो देखा जाएगा। सब गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, वो एक साथ बैठेगी, उनके विधायक एक साथ बैठेंगे और वो सब मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो ये बात होती है। अभी अगर हम बीजेपी की बात करें या महायुति की बात करें, तो इतने दिन वो सवाल पे सवाल उठाए जाते थे हमारे अगेंस्ट कि महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। इन्होंने खुद ने चेहरा दिया नहीं था, इन्होंने ऐसे बताया था कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व हम ये इलेक्शंस लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है ये बताया नहीं था। सिर्फ वो ये जानना चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन है। आज देखिए, आज आपने सभी से सवाल पूछे तो किसी के पास भी जवाब नहीं है, हर एक आदमी यही चाहता है कि उनका पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बने। तो दोनों तरफ सेम चीजें है। तो हमें ऐसे लगता है कि रिजल्ट तक हमने रुकना चाहिए। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत थी कि एक कुर्सी है 100 उसके दावेदार यहां पर निकलकर सामने आए हैं, फाइनल फैसला तो जनता को करना है। योगेश खैरे जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप एमएनएस के प्रवक्ता हैं, योगेश खैरे जी, आपकी पार्टी खुद ही कई सीटों पर चुनाव लड़ी है, तो इसके पहले भी 2-3 चुनाव वो लड़ चुकी है, लेकिन खुद राज ठाकरे अपने बेटे या अपनी पार्टी के किसी और नेता का नाम लेने की बजाय जब ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का दावा इस बार सबसे ज्यादा है और वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या देखा है आप लोगों ने?
जिसके बाद आप लोगों की ओर से पूरा दम ठोक कर यह दावा किया जा रहा है, इतनी तारीफ। आपका ऑडियो म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर लें स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे जी बोलिए। किशोर जी को मैं पहली बार याद दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने बात कही कि राज ठाकरे साहब ने 2019 में ऐसा कहा, फिर मोदी जी के बारे में 2024 में ऐसा कहा, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में उद्धव ठाकरे साहब ने भाजपा को अफजल खान की सेना कहा था, 2017 में उद्धव ठाकरे साहब ने ये कहा था कि हम युति में सड़ गए, और 2019 में उन्होंने फिर से बीजेपी से युति कर ली जी। संजय राउत जी ने कहा था कि मोदी जी ऐसे बड़े नेता है कि 25 साल तक उनके जैसा नेता देश में नहीं होने वाला। उन्होंने इधर इतना तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा मोदी जी को, तो और आप जो उन्हें बातें कर रहे हैं तो वो अलग बातें हैं, तो आपकी भूमिका किधर, एक तरफ तो आप करें तो रासलीला, और हमने थोड़ा कुछ किया तो हमारा कैरेक्टर लीला, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा है 136 में जो 130 एमएनएस के आने वाले, तो मैं उनको बताना चाहूंगा हम इतने मूर्ख नहीं है कि 130 हमारे आने वाले, हम जमीन पे रख के हमें मालूम है हमारा हमारी पार्टी लगभग हमारी पार्टी जरूर डबल डिजिट में जाएगी, तो डबल डिजिट में जाएगी तो जो अभी सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लड़ रही है अराउंड 150, तो और जो महाराष्ट्र में परिस्थिति है तो ये राज ठाकरे साहब का प्रिडिक्शन है कि 150 वो लड़ रहे हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस ज्यादा है। सर ये प्रिडिक्शन तो समय समय पर लगते रहे ना, देखिए 2019 का रिजल्ट 105 सीटें किसने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके आधे के आसपास सीटें किसकी थी, शिवसेना की, लेकिन उसके बावजूद हम सब जानते हैं कि कैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा कर दिया गया था, वो भी तब जब वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा पीछे थे, तो कब किसका मुख्यमंत्री बन जाए, कब कौन पलटी मार जाए, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, सबसे ज्यादा सीटें जीत कर वो आएगी तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा, पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें वही जीत कर आई थी, लेकिन उसका मुख्यमंत्री तो नहीं बना था खेरे साहब। ठीक है, वो अपवादात्मक स्थिति थी जी, वो अपवादात्मक स्थिति थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो राज ठाकरे साहब का प्रिडिक्शन है कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है और एमएनएस के सपोर्ट से बनेगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। बार बार अजय आलोक जी ये कहा जाता है कि जो एमएनएस है वो बीजेपी की बी टीम है, और देखिए राज ठाकरे के बेटे भी पहली बार चुनावी मैदान में हैं, उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उद्धव सेना की ओर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है, शिंदे गुट की ओर से वहां पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, जबकि आप लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर आप लोगों का है राज ठाकरे को लेकर, उसी का नतीजा है कि वो हर मंच पर बीजेपी के नेता की तारीफ कर रहे हैं। देखिए वो क्यों तारीफ कर रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि व्यक्तिगत तौर पे राज ठाकरे जी से प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, सबके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के जितने नेता हैं सबसे उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों चाहे कोई हों, तो व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पे तारीफ अलग अलग बात होती है। देखिए राज ठाकरे के पुत्र माहिम सीट से लड़ रहे हैं, वो सीट गठबंधन के तहत हमारे यहाँ शिंदे वाली शिवसेना को गई है, तो स्वाभाविक है हम चाहते थे कि उम्मीदवार ना हो, लेकिन ये उनका निर्णय था, तब लड़ गए हैं, कमोबेश सबका वोट लगभग एक ही है, तो अब देखते हैं अभी 4 तारीख तक क्या होता है, 4 तारीख के बाद ही इस पर स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात है कि सबके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि महायुति में सीएम का पद के लिए कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको जब आपसे बात कर रहा हूँ चित्रा जी, क्लियर करना होगा, अजय आलोक जी आपको ये जो कुर्सी की लड़ाई है ना, इसको लेकर चेहरा कौन है ये पहले से क्लियर इसलिए करना होगा क्योंकि 2019 के जो हालात बीजेपी के लिए पैदा हो गए थे वो तो आपको याद ही होगा ना, कि दोनों पार्टियां खूब मजबूती से चुनावी मैदान में जाती हैं, उद्धव ठाकरे आपकी तारीफ करते हैं, आप उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, और जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं आप लोगों ने प्रचंड बहुमत वहां पर हासिल किया, वैसे ही वहां पर पलटी मार पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, तो इस बार तो क्लियर करके जाना होगा कि आपको नहीं लग रहा है ऐसा। देखिए बोल
देखिए लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है। हाँ। तो उद्धव ठाकरे को लालच आया, वो ठगे गए शरद पवार के द्वारा, तो लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता है। वही हाल था, उद्धव ठाकरे जो लालच कर गए, वो लालच आपको क्या लगता है अजीत पवार या शिंदे जी करने जा रहे हैं या बीजेपी करने जा रही है? यही तो फर्क है, मेटल का यही फर्क है, चरित्र का यही फर्क है। हम महायुति और महागाड़ी में यही थिन डिफरेंस तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। राजनीति में कुछ साल भी संभव है अजय आलोक जी, राजनीति में कुछ भी संभव है। एक चूचू में असंभव को संभव बनाना ही राजनीति कहते हैं। कोई सोचता था क्या कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ेंगे, शिवसेना से शिंदे साहब निकलेंगे बाहर, कोई सोचता था? शिवसेना यूबीटी बाला साहेब ठाकरे के पुत्र कांग्रेस की गोद में जाकर बैठेंगे और मुस्लिम वोटों पर निर्भर हो जाएंगे, किसी ने सोचा था क्या? हाँ। मैं आपको एक जर्नलिस्ट की बात बता रहा था, एक जर्नलिस्ट अभी दो घंटे पहले, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, महाराष्ट्र भी कवर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी उद्धव जी से बात हुई और उद्धव जी को राहुल गांधी ने अश्योर किया है कि आप चिंता मत कीजिए, नतीजे जो आए चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। झगड़ा लगा रहे हैं आप पत्रकार का हवाला देकर अजय आलोक जी, खुलेआम आजकल हम लोग खुलेआम, अरे नहीं, ये पूरी चर्चा आम है, शिवसेना वाले यूबीटी वाले हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अश्योर किया है उद्धव जी बनेंगे, करने का बोल रहे हैं वो लोग। तब तो इधर भाईजान लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, उधर वो वैसे ही अलग लगे हुए हैं, हर जगह मुल्लाओं मौलवियों को उतार रहे हैं कि इस बार भाईजान का सारा वोट ओवैसी को, अकेला शेर का शिकार करने वाला ओवैसी। तो इन लोगों में बड़ी मारा पीटी है, मैं कह रहा हूँ ना चित्रा जी, हमारे यहाँ दिए जल रहे हैं, इधर बम पटाखे चल रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है बहुत बुरी तरह से। हाँ। प्रदूषण का कुछ कीजिए। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए आप, अब इससे तो खुश होना चाहिए, उन्होंने एक पत्रकार का हवाला देते हुए जो जानकारी दी कि राहुल गांधी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उद्धव ठाकरे ही बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा है क्या? चित्रा जी मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के अंदर शिवाजी राव मोघे हो गया, नाना पटोले हो गए, बाला साहेब थोरात, पृथ्वीराज जी चौहान, हमारे नितिन राउत, ऐसे बहुत कद्दावर बहुत प्यार है। तिवारी जी एक मिनट, बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला ना बीच में, तिवारी जी नाना पटोले से तो शिवसेना बहुत प्यार करती है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, इधर बहुत ही कद्दावर नेताओं में नाना पटोले आते जो मोदी से बगावत करके आए थे, तो सब लोग है और ये सब रेस में है जी। दूसरा मैं एक बताता हूँ कि शरद पवार जी ने जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले को भी प्रोजेक्ट किया है, और एक उद्धव ठाकरे का कहता है कि उनको आपने सत्ता से दूर किया था, तो लोगों की भावना है कि उनको बनाया जाए। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री वगैरह बनने का कोई मोह वगैरह नहीं है, उन्होंने उस वक्त भी एकनाथ शिंदे का ही नाम प्रपोज किया था, इन्होंने हमसे संबंध तोड़ के फिर एकनाथ शिंदे को ही बनाया। अब मैं बताता हूँ चित्रा जी, तुमको अपडेट करता हूँ, बीजेपी ने खुद ने 168 जगह पे एबी फॉर्म दिए, अपने 16 उम्मीदवार एकनाथ शिंदे को दिए है, 5 उम्मीदवार अजीत पवार को दिए है, तो बीजेपी कैसा है कि छोटी पार्टियों को खा लेता है। अब कैसा हो गया कि एकनाथ शिंदे के जो जिनको टिकट नकार के वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दिया, वो कहते कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और अजीत पवार तो बारामती में रो पड़े, और एकनाथ शिंदे कल बोले कि मुझे फंसा दिया गया, यहाँ कृष्णा हेडगे जी है, इनको टिकट अश्योर करके हाँ। वहां पर बीजेपी ने टिकट ले लिया। अरे बहुत तकलीफ है भाई, वो लोग आत्महत्या न करे ऐसी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ऐसा कोई सगा नहीं, उनको अलोक तुमने ठगा नहीं, हम ठगे थे, हम भाग के आ गए, बचे हुए हैं ये एकनाथ शिंदे अजीत पवार, इनके हालत आपने खराब कर दी, केवल कट्टारों को टिकट दी, बाद में बचे हुए तो सब तुमने ही उम्मीदवार दिए। अजय आलोक जी जवाब दे दे, उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी का टिकट कैसे कट गया आखिरी मोमेंट पे, जिसका दावा कर रहे हैं किशोर तिवारी, वो जानेंगे अजय जी, लेकिन उसके पहले वो कह रहे हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता, उस पे जवाब नहीं दिया इन्होंने, लालच किसको था मुख्यमंत्री पद बनने का, पीठ पे खंजर किसने घोंपा, ये तो सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी थे, बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को कब्र में पहुंचा के, किताबें भी नहीं कब्र में पहुंचा के, कांग्रेस की गोद में जाके बैठने वाले कौन थे?
देखिए ऐसा है ना, बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को कब्र में पहुंचाने वाले, चिता भी नहीं कब्र नसीब करवाई, वो करवाने वाले कौन थे? उद्धव ठाकरे। जाके कांग्रेस की बोर्ड में बैठा कौन? उद्धव ठाकरे। पीठ में खंजर रोका किसने? उद्धव ठाकरे। क्यों? लालच देने वाला कौन? शरद पवार। अजय जी, शरद पवार तो लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता, मैंने तो पहले ही बोला। अरे अभी भी कौन, एक बात खत्म कर लूं उसके बाद आप कहिएगा। अरे एक बात कह लेता हूँ फिर आप कहिएगा ना। अरे क्या आप ही कह रहे हो यार, बनने के लिए तुम्हारा चैनल हो तो क्या हुआ, हमें भी तो बोलने दो प्लीज किशोर तिवारी जी। नहीं किशोर तिवारी जी ये तरीका कैसे हो सकता है? किशोर तिवारी जी प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है ना। अब ये मतलब आप इस तरह के आरोप लगाएं कि ये उनका चैनल है, उनका चैनल। सर आपको भी उतने ही विंडो में काटा है, जरा सा भी कम नहीं किया है, आपका भी नाम उतना ही चल रहा है लगातार। आप ज्यादा मुस्कुराते हैं तो हमारे पैनल वाले आपको ज्यादा दिखाते हैं। मेरी बारी है, है ना सर? तो फिर आप इस तरह के आरोप तुम मत लगाए ना किशोर तिवारी जी प्लीज। और मुझे लगता है कि मीडिया पर टिप्पणी करने के बजाय, यही तो दिक्कत है ना कि जब नेता लोग मीडिया से लड़ने लगते हैं तो फिर अपने प्रतिद्वंदी से वो कैसे लड़ेंगे? सर आपकी मेरी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई उनसे है, उन्हीं से लड़ाई लड़ लीजिए। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है। कितने मुझे बोल रहे हैं भाई, मेरा बहुत सा मैं खत्म कर लूं किशोर जी, मैं खत्म कर लूं फिर बोल लीजिएगा भाई। एक मिनट रुकिए चित्रा जी, हमारी आपस में लड़ाई नहीं है। हम लड़ रहे हैं अघाड़ी पिछाड़ी को हराने, मैं हम लोग लड़ रहे हैं, महायुति लड़ रही है अघाड़ी पिछाड़ी को परमानेंटली रेस से आउट करने के लिए। आत्महत्या कौन करेगा 23 नवंबर के बाद पता चल जाएगा कि कौन आत्महत्या करना जा रहा है, कौन अवसाद में होने जा रहा है। नहीं, हम मिलकर लड़ रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं भाई, ये आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। हम कहां कुछ बोल रहे हैं? शरद पवार को कौन गाली दे रहा है? कांग्रेस। शिवसेना को कौन गाली दे रहा है? कांग्रेस। नाना पटोले किसको गाली दे रहे हैं? उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के लोग किसको गाली दे रहे हैं? इन लोग को। हम लोग कहाँ आज तक सुना है हम लोग के तीनों दल में कोई एक दूसरे को कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव मैदान में, ये पहले आपस में लड़ ले तब तो हमसे लड़ेंगे, ये रेस में आने के पहले ही रेस में बिछड़ गए। कृष्णा हेगड़े जी अब सीधे आपके पास आते हुए, किशोर जी के पास में जाऊंगी बाकी लोगों। कृष्णा हेगड़े जी आपका टिकट काट दिया क्या बीजेपी ने? सब कुछ कंफर्म था, एकदम आश्वासन मिल गया, लेकिन आखिरी में बीजेपी की वजह से आप पिछड़ गए, किशोर तिवारी जी दावा कर रहे हैं। भाई बहुत 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 नर्वस विचार। नहीं नहीं, देखिए एक सच्चे कार्यकर्ता की यही निशानी होती है कि अगर इस बार भी नहीं मिले या गए बार भी नहीं मिले, आप पार्टी के लिए संघर्ष करते रहो। हाँ। मैं पहले भी विधायक रह चुका हूँ, इसके लिए मुझे ये बात की टेंशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आने वाली सरकार महायुति की आने वाली है, और आपके पैनल में भी जिसका भी डिस्कशन है, उन्होंने दूसरा कोई सीएम का नाम ही नहीं लिया, या कोई देवेंद्र जी कह रहे हैं या फिर शिंदे जी कह रहे हैं। देखिए राज ठाकरे जी एक बड़े नेता है, उनको अपना राय रखने की पूरी हक है, और उन्होंने उनकी निजी राय रख दी है, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद हम तय करेंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसके पहले तो अभी तो हमारा लक्ष्य ये है कि महायुति की सरकार फिर से आए, और अभी का जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को भी इस बात का एहसास है? देखिए 2019 के बाद की परिस्थितियां अलग थीं, बीजेपी को इस तरह का परसेप्शन बना कि चूंकि उसको बदला लेना है उद्धव ठाकरे से, उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में उस समय किस तरह से हवा थी। 2019 में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, जब 303 सीटें उसको मिली थी, उसके जस्ट बाद चुनाव हुए तो वहां पर भी एक तरीके से क्लीन स्वीप की स्थिति रही थी एनडीए के लिए। लेकिन इस बार आप लोगों को एहसास है क्या कि उद्धव ठाकरे से बदला लेना था, आप लोग अलग हुए, उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी ने आपका मुख्यमंत्री बना दिया। देवेंद्र फडणवीस शायद ही इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो, और इसके पहले कभी इस तरह के कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलते, जब कोई मुख्यमंत्री रहा हो और बाद में वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठा हो। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से मना किया गया था देवेंद्र फडणवीस की ओर से, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने उनका नाम बकायदा ट्विटर पे चलाया कि हमने उनको कह दिया है, वो इस बात को मानेंगे। ये स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो 2022 के बाद की परिस्थितियां अब बदल गई हैं, शिवसेना टूटने के बाद अब मुख्यमंत्री आप बन गए, अब बीजेपी की दावेदारी है, ये मन में है क्या कृष्णा हेगड़े जी आप लोगों के भी? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ी थी, हिंदुत्व के नाम पे लड़ी थी, वो उद्धव ठाकरे जी थे कि वो जीतने के बाद महाराष्ट्र की जनता की वोट हासिल करने के बाद वो निकल गए यहाँ से, और कांग्रेस का हाथ उन्होंने पकड़ लिया,
कि वही कांग्रेस जिन्होंने उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और जो बंद दुकान थी कांग्रेस की महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने फिर से स्टार्ट कर दी। लेकिन मैं आपको और दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। नारायण राणे जी मुख्यमंत्री थे, वो बाद में कांग्रेस में आए, भारतीय जनता पार्टी में भी आए, रेवेन्यू मिनिस्टर बने। अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे, वो भी मिनिस्टर बने। उसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे, वो भी अभी एक MLA करके काम कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल महाराष्ट्र और देश में है, जो मुख्यमंत्री पहले थे वो आज नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया है, एक राजनीतिक करियर की एक प्रक्रिया है। कभी कोई ऊपर जाता है, कभी कोई अपना काम करता है, लेकिन पार्टी के लिए काम करना चाहिए, निष्ठा से काम करना चाहिए, ये सच्चे कार्यकर्ता की निशानी। किशोर तिवारी जी देखिए वो कितने सदे हुए अंदाज में बता रहे हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता की निशानी यही है कि बदलती हुई परिस्थितियों को वो भांप ले और उसी के हिसाब से आगे बढ़े। तो आप लोगों का ये झगड़ा लगाना भी काम नहीं कर रहा है उधर किशोर जी? मैं चाहूंगा कि कृष्णा एडकी को चुनाव के बाद कोई कॉर्पोरेशन वगैरह दे दे केंद्र में, क्योंकि राज्य में तो कुछ जमने वाला नहीं है। उद्धव जी के बारे में अजय जी कह रहे थे, तो उद्धव जी उस वक्त भी एकनाथ शिंदे जी का ही नाम चला रहे थे और उनका सपने में भी मुख्यमंत्री बनने का कभी कोई मानस नहीं है। मैं उनका करीब का दोस्त हूँ और मैं BJP में 14 से फुल टाइमर के तरीका काम कर रहा था और मिनिस्टर रैंक पे रहते हुए काम कर रहा था। तो मैंने नजदीक से देखा कि BJP रीजनल पार्टियों को खत्म करने पे तुली हुई है। तो उद्धव जी ने जो कुछ किया वो बहुत हमने सुनियोजित ढंग से किया है। और अब इन्होंने कहा, कृष्णा ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा अजय जी ने, कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। हमने हिंदू BJP से हमने नाता तोड़ा तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। यही मुद्दे लेके हम जनता में जा रहे हैं, क्या तुमको ये मंजूर है? तुमको ये मंजूर है तो वोट दो, नहीं तो मत दो। इससे बड़ी बात क्या करूंगा मैं? मेरी बात सुनिए, देखिए राज ठाकरे से जब कल ये सवाल पूछा गया था तो उनकी ओर से जवाब दिया गया कि जो अंदर से पार्टियां टूटी होंगी उनको थोड़ा सा भी कोई बाहर से पुश कर दे तो वो टूट जाएंगी। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि NCP टूटी, शिवसेना टूटी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं टूटी? ये भी तो सवाल है ना। देखिए कांग्रेस वहां पर चौथे नंबर की पार्टी थी 2019 में, उसको तोड़ना ज्यादा आसान होता आप लोगों के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी जबकि शिवसेना और NCP टूट गई, क्योंकि अंदर से टूटी हुई पार्टियों को थोड़ा सा भी आप पुश करो वो दो भागों में बट जाएंगी, इसका उनकी ओर से दावा किया गया। राज ठाकरे को 0.05% वोट मिले थे, वो महाराष्ट्र में संदर्भहीन नेता है, 130 सीटें अपनी पार्टी के लड़ रहे और BJP की वकालत कर रहे। एक उनके उनके कैंडिडेट जो खड़े हैं वो BJP के जो विधायक है उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस CM बनेंगे। ये कंफ्यूज है। मैं बोल रहा हूं ना, राज ठाकरे तुरंत अपनी पार्टी डिसॉल्व करके उद्धव जी के साथ आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि ठाकरे फैक्टर है ना, वो ठाकरे का खून है, तो 1% वोट खा लेंगे ना तो हमको फालतू ही वो हमारी पार्टी को रोक लेंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने जो बातें की वो बातें किशोर तिवारी जी, कल ही राज ठाकरे की ओर से ये कहा गया कि आदित्य ठाकरे जब पहली बार चुनाव लड़े तो फिर उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था उस विधानसभा से, जबकि उनके 35,000 से 40,000 के करीब वहां पर वोट थे, और इस बार जब उनके बेटे खड़े हो रहे हैं तो फिर शिवसेना उद्धव गुट ने वहां पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो पहले तो आपको दिल बड़ा करना होगा ना, उसके बाद आप राज ठाकरे से कहेंगे कि आप आ जाइए इधर और 1% वोट भी नहीं खाइए। अरे दिल बड़ा कर देंगे, वो बेचारा 4 टर्म का विधायक उनका, और उसको बोल रहे विड्रा हो जा। अरे इनका घर इनको संभालना नहीं होता। हम अभी भी बता रहे हैं अमित ठाकरे हमारा खून है, हम उसका सम्मान करेंगे और एप्रोप्रिएट डिसीजन एप्रोप्रिएट टाइम पे लेंगे। 4 तारीख के पहले हो जाएगा। अरे हमारा घर का मैटर, तो उसमें बताइए, मैं अभी बता रहा हूँ। राज ठाकरे ने कल जो किरकिरी कर दी है
वो किरकिरी इनको बहुत महंगी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे बहुत आहत है और एकनाथ शिंदे हमारा कैडर का आदमी है। एकनाथ शिंदे को अंडर एस्टिमेट बीजेपी कर रही है। वो तो 120 सीटों पे पैरेलल उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को जो अमित शाह ने आंखें दिखाई बार बार कि तुमको ईडी सीबीआई के अंदर हमने जेल में नहीं डाला, ठीक है, तो इसका बदला वो लेने वाले है। आ, मुझे बताया उन्होंने, मुझे बताया, देखो किसने, नेशनल इस पे बोल रहा हूँ, किसने बताया, मैं नेशनल इस पे बोल रहा हूँ, नेशनल चैनल पे बोल, अरे बताया किसने, किशोर तिवारी जी बताया किसने, ये मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं इधर, कृष्णा किशोर तिवारी जी सब मनगढ़ंत कहानी बनाते है, पुलाव लगा देते है, दूसरे का झगड़ा लगा देते है, एयर में जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ। किशोर तिवारी जी बताया किसने हैं? शिंदे साहब ने खुद फोन करके बताया है आपको कि मैं बहुत आहत हूं राज ठाकरे के बयान से। देखो मैं अभी बता रहा हूं, मैं एकनाथ शिंदे के करीबी मित्रों में हूं, उनके बोलने से ही मैं उद्धव जी के पार्टी में गया। जिस दिन गया उस दिन जब वो उनका शिव बंधन बांधा तो मेरे साथ केवल एकनाथ शिंदे थे। ये लोग है ना, अभी किसके लिए काम कर रहे हैं देखिए ये, अरे रुको तो सही, अमित चाची से बोलते है, देखो हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने त्याग किया, तुमको ईडी सीबीआई और वो मनसुख हिरेन की हत्या से बचाया और 70,000 करोड़ में अजीत पवार को बचाया, ये डटा डटा के सीटें कम कर ली भाई। ठीक है अजय आलोक जी, जवाब दे दीजिए। बाकी मेहमानों के पास भी जल्दी जल्दी मैं जाना चाहूंगी, मुझे लगता है मेरे वाले विंडो में आप प्लीज योगेश खारे जी को दिखा दें, बहुत देर से वो स्क्रीन पे नहीं आए हैं। अजय आलोक जी पहले उनकी बातों पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। चित्रा जी, एकनाथ शिंदे जी तो खुद ही कह चुके हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे दाढ़ी को अंडर एस्टिमेट करता था, दिखा दिया ना क्या किया मैंने, ये एकनाथ शिंदे के बोल है, क्या बोल रहे हैं ये किशोर जी। एक ही लाइन कहूंगा, चुका हुआ कारतूस फ्यूज बल्ब, दोनों से ना जान जाती है ना रोशनी आती है। आप लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे की यही हालत है, चुका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब। बोले कृष्णा हेगड़े जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। नहीं, किशोर तिवारी जी क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं और दूसरे में झगड़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हमारे 80 कैंडिडेट ऑफिशियली खड़े, बोलते 120 अनऑफिशियल खड़े, अरे भाई हमको तो मालूम होता नहीं तो मैं खुद खड़ा हो जाता। तो ये किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं मैं आदमी हूँ एकनाथ शिंदे जी का, लेकिन काम करता हूँ उद्धव ठाकरे जी का, तो मुझे लगता है जल्द मेरा ही जगह ले लेंगे यहाँ पर पैनल में। तो किशोर तिवारी जी का ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता वो क्या बोलते है। मुझे लगता है उनके लिए शाम का शो ही ठीक रहेगा, महेश अभाड़ जी या फिर लेट नाइट शो। महेश अभाड़ जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, मैं आ रही हूँ किशोर तिवारी जी, सब कुछ आप ही बोल जाएंगे तो बाकी लोगों को जिनको मैंने बिठा के रखा है इनकी बारी कब आएगी। महेश चौहान जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या बताती है आप लोगों के लिए भी, हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार आप लोग ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजित पवार के अलग होने के बाद आप लोगों के लिए परिस्थितियां वैसी है नहीं महेश चौहान जी? ये अलग बात है कि लोकसभा में आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। नहीं, वही तो उसी पे बेस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि उसी पे आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है, पहले से ज्यादा अच्छी हुई है। लोकसभा में आपने ये देख लिया, और सिर्फ राष्ट्रवादी की नहीं, पूरे महाराष्ट्र में पूरे महाविकास आघाड़ी की परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है। अभी अजय जी यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्हें सिर्फ गालियां और फटाके और बमी सुनाई देते, उन्हें बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन उनको एक अचरज मुझे होता है कि उनको उनके पार्टी में महायुति में जो गालियां मिल रही है एक दूसरे को, वहां जो बम फूट रहे, वो वहां जो फटाके फूट रहे, वो उन्हें दिख नहीं रहे। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बागी महायुति में है, महाविकास आघाड़ी से कहीं अधिक बागी महायुति में है। बीजेपी के कितने सारे नेता उनको गाली देकर हमारे पास आए और उनको उन्हें हमने टिकट भी दे दिए और लाइन लगा के खड़े, हम लोग नहीं अकोमोडेट कर सके उन्हें। और जहां तक राज ठाकरे जी का सवाल है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो वो बीजेपी की तारीफ करेंगे और बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने महायुति में उन्हें जगह नहीं दी राज ठाकरे जी को। राज ठाकरे जी को जगह देते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं दिए, और आज बाहर रह के राज ठाकरे जी बीजेपी की तारीफ कर रही है। एक आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि अभी कहा कि 136 सीटों पर राज ठाकरे जी उनके उम्मीदवार उतार चुके हैं,
तो इसका नुकसान ज्यादा किसको होने वाला है? एकनाथ शिंदे जी के पार्टी को और उद्धव साहब के पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान ये दोनों पार्टियों को होगा। फायदा किसको होगा? बीजेपी को। तो बीजेपी ये करा रही है और ये एकनाथ शिंदे जी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, योगेश खैरे जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ है योगेश खैरे जी। ये एकनाथ शिंदे महायुति में राज ठाकरे को जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है जिसको लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं? महायुति में हमें जगह मिले ना मिले ये बात नहीं है, क्योंकि उधर ऑलरेडी 3 पार्टियां थी, तो हम उधर जाके क्या करते? हमारी पार्टी को हमारा विस्तार करना है तो हमें महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे ना। तो राज ठाकरे साहब ने ये तय कर लिया था कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे जी। और आपने देखा होगा जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनी है तब से हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कभी भी किसी के साथ कैसा भी गठबंधन नहीं किया है, हमने अकेले चुनाव लड़ा है। सर तो वोट कटवा पार्टी ही बनकर रह जाते हैं ना, अब आपको क्या फायदा मिलता है अकेले चुनाव लड़ने से? बता दो। अगर हम अगर किशोर जी बोल रहे हैं कि हम वोट कटवा पार्टी है, तो वोट कटवा पार्टी में आपने कभी भी मुझे बताइए कि आज तक उन्होंने कभी प्रपोजल दिया है क्या एमएनएस को? अभी कभी उन्होंने उनकी अलायंस ने कभी भी महाविकास आघाड़ी अलायंस में बोला है कि आप एमएनएस पार्टी को साथ में आ जाओ? कभी भी नहीं रखा। एमएनएस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे साहब ने 2 बार कोशिश की थी शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने की, लेकिन उन्होंने वो गठबंधन नहीं बनाया। और जब हम अपने तो हमारी पार्टी है ना, हमारी एक पार्टी है, तो हम चुनाव नहीं लड़े क्या? हम क्यों देखें किसके वोट कट रहे हैं और किसके नहीं वोट कट रहे हैं? और दूसरी बात मैं किशोर जी को बताना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना राज ठाकरे साहब को संदर्भहीन नेता है, तो राज ठाकरे साहब संदर्भहीन नेता नहीं, जबकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब के बिना राजनीति चल नहीं सकती, ये आज की स्थिति है। चले ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज यकीनन अब से थोड़ी देर के बाद सभी के सभी जितने मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको पटाखे छोड़ते हुए दीपक जलाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जीत की दिवाली किसकी मनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावे का दिखेगा दम इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ABP News, आपको रखे आगे।